कंटिन्यू आवर चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हम अब तक पढ़ चुके हैं एक तो डिमांड के बारे में कि डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एंड वाइस वर्सा। इसी के साथ हमने डिस्कस किया डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया, मार्केट डिमांड कर्व के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया, इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया, मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमने कल जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट में हमने पढ़ा कि जब हमारे जो प्राइसेस है, किसके प्राइसेस इफेक्ट करते हैं, कमोडिटी के, खुद के प्राइसेस, ऑन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी की, उनकी वजह से जब चेंजेस आते हैं तो हम वहां पर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में पढ़ते हैं। जब खुद के प्राइसेस में चेंजेस ना आए और जो अदर डिटर्मिनेंट्स हमारे जैसे इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, इन सब में जब चेंजेस आते हैं तो हमने वहां पर क्या था कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो, हमने रिलेटेड गुड्स पढ़े थे कि दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जब हम इफेक्ट देखते हैं किसका, प्राइस के चेंजेस का, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, कि रिलेटेड गुड्स में जब प्राइस इफेक्ट हम देखते हैं और उनकी वजह से हमारे जब डिमांड पे चेंजेस आते हैं तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। सो क्रॉस प्राइस इफेक्ट मीन्स इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब क्रॉस प्राइस इफेक्ट में हम कौन से देखेंगे, दोनों ही तरह के इफेक्ट्स देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे इफेक्ट होता है डिमांड और हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में किस तरह से इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सो हियर वी कैन सी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस आएगा वो देखो, हमारे पास जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम क्या करेंगे, या तो हमारी डिमांड बढ़ेगी या फिर कम होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने दो सब्स्टिट्यूट गुड्स लिए, कौन कौन से, एक ली पेप्सी और एक ली कोक। ठीक है, दोनों के प्राइसेस क्या थे, 10 पहले 10 प्राइसेस थे। अब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइसेस में चेंज आ गया। क्या चेंज आया कि इस कोक के प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए, 15 रुपीज हो गए। कोक के प्राइसेस में चेंज आने से पेप्सी की जो डिमांड थी, पेप्सी के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं है, पेप्सी के प्राइसेस 10 थे तो 10 के 10 ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइसेस में चेंजेस आए, उस चेंज की वजह से किसकी डिमांड चेंज हो गई, पेप्सी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। कि पहले हम डिमांड जब 10 रुपीज थी इसकी वैल्यू, ठीक है, तब हम डिमांड करते थे 20 यूनिट्स की। अब ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स द डिमांड ऑफ पेप्सी आल्सो इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स 30 यूनिट्स। तो हम इसको डायग्रामेटिकली किस तरह से शो करेंगे, देखो हमने ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड शो किया, प्राइसेस। अब देखो प्राइसेस सेम है, जो हमारे पेप्सी के प्राइसेस है वो क्या है, पी पर सेम, हर बार कोई भी चेंजेस प्राइस में नहीं है। तो जब प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं थे तब हमने यहाँ पर, मान लो ये 10 है आपका, दिस इज 20, दिस इज 30, आप इसको Q1 इस तरह से भी लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर P1 लिया। देखो यहाँ पर 10 अगर मैं ले ली तो यहाँ पर भी मैंने 10 ले लिया, सपोज आप P1 भी ले सकते हो, Q से भी डिनोट कर सकते हो क्वांटिटी को। अब जब 10 प्राइसेस थे तो पहले हम क्या किया करते थे, कितने की डिमांड कर रहे थे, दिस वाला, तो हमारा डिमांड कर्व कौन सा था, ये वाला। लेकिन जैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में चेंज हुए, मीन्स प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो हमारी डिमांड क्या हो गई, इसकी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, आप कितनी हो गई, 30
ही होगी। तो डिमांड कब कहां शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ, यानी कि हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसको बोलेंगे हम इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब प्राइसेस में इंक्रीज हुआ सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो डिमांड हमारी उस गुड की, किसकी, पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे यहाँ पर ये D1 किसका, D1 पेप्सी का हमारे पास डिमांड कब है, और ये भी पेप्सी का था, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे केस आपका डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। डिक्रीज, अब कैसे डिक्रीज, कि पेप्सी के पहले कोक और पेप्सी के दोनों के रेट क्या थे, 10-10 थे। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के रेट प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, डिक्रीज हो गए, यानी कि 10 की थी, अब ये हो गई हमारे पास 8, कम की हो गई, ठीक है। पेप्सी के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं है, पहले पेप्सी के यूनिट्स कितने हम परचेज कर रहे थे, 30 यूनिट्स सपोज, जब दोनों के रेट क्या थे, 10-10 थे उस टाइम पर। लेकिन जैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज हो गए, कितने हो गए, ₹10 से ₹8 पर आ गए, तो अब जो पेप्सी पीते थे वो भी क्या पीने लग गए, कोक पीने लगे। इसका मतलब पेप्सी की डिमांड क्या हो गई, अब कम हो गई। तो हाँ, कम कितने पे हो गई, सपोज 20 यूनिट्स कम। तो इसको कैसे डायग्रामेटिकली शो करेंगे हम, कि पेप्सी के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं है, वही 10 प्राइसेस, ठीक है। पहले डिमांड का हमारे जो डिमांड थी वो कितनी थी, 30 यूनिट्स की, तो डिमांड का कैसा था, दिस वन डी किसका, पेप्सी। अब जैसे ही डिक्रीज इन डिमांड इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हुआ, तो हमारी पेप्सी की भी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। कम कितनी हो गई, 20 यूनिट्स पर आ गई। हमारा डिमांड का कैसा हो गया, दिस वन, यानी कि पीछे की तरफ हमारा डिमांड का शिफ्ट हो। इसको बोलेंगे हम पेप्सी का, इसको बोलेंगे हम डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कोक लिखे या पेप्सी। देखो, हमने प्राइसेस देखने हैं अपने सब्स्टिट्यूट गुड की, ठीक है। लेकिन जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो मेन गुड है हमारी पेप्सी, उसकी डिमांड को रिप्रेजेंट करना, यहाँ पे हम डिमांड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो थी आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, डिमांड फॉर द कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। फर्स्ट हमारा जो केस आएगा, दैट इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हमारी जैसे कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में है, जैसे कार एंड पेट्रोल, हमने एग्जाम्पल लिया कार का और पेट्रोल का। अब देखो, प्राइसेस हमने देखा कि जब पेट्रोल और प्राइसेस लेट कर लीजिए हमने कि यहां पर 100 मान लिया, ठीक है, 100 दोनों, कि जब हमारे पेट्रोल और कार के दोनों के प्राइसेस जो भी थे आप मान लीजिए, हमने सपोज कर लिया कि 100-100 दोनों के सेम मान लिए, ठीक है। तब हम कितनी डिमांड कर रहे थे कार की, हम सपोज करो 5 यूनिट्स की डिमांड की कर रहे थे, या 50 कर लीजिए हम यूनिट्स की डिमांड, हम केस कर रहे हैं इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, कि जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए किसके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। अब 100 पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपीज से कितने पर हो गए, यहां पर आप 200
यहां पर हो गए 200 रुपीज। पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो गए? बढ़ गए। आपने अक्सर सुना होगा कि जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पेट्रोल वाली गाड़ी मत खरीदो, डीजल वाली खरीदो, डीजल सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो पेट्रोल की जो कार्स थी उनकी डिमांड क्या कर दिया? कम कर दी। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर हमने डिमांड की जो कार की जो डिमांड थी वो क्या कर दी? कम कर दी। अब हमने कितनी कर दी इसको? 100 यूनिट्स। ठीक है, तो प्राइसेस कैसे हैं? सेम है हमारे प्राइसेस, कार के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, प्राइसेस रिमेन कॉन्स्टेंट, वही 100 के 100। ठीक है, लेकिन पेट्रोल के हम जब 100 प्राइस थे तब हमने जो डिमांड कर रहे थे हम कितने की कर रहे थे? 200 की। डिमांड कितने की रखी हमने? 200, यानी कि दिस वन डिमांड कर्व। किसका है ये डिमांड कर्व? कार का। अब जैसे ही हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए 100 हुए तो हमारी डिमांड क्या हो गई? गुड की, कार की डिमांड कम हो गई। कितने पर आ गई? 100 पर आ गई। हमारा डिमांड कर्व कैसा हो गया? दिस वन, D1, D2, बैकवर्ड। किसकी है ये? कार। सो दिस इज द केस ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। नेक्स्ट विल सी द केस इन विच देर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। अब देखो कार के वही प्राइसेस हैं, सेम प्राइसेस रहते हैं हमारे। प्राइस पेट्रोल के क्या हो गया? 50 रुपीज हो गया पेट्रोल, सस्ता हो गया पेट्रोल। ठीक है, सस्ता हो गया तो पेट्रोल वाली गाड़ियां अब क्या हो गई? ज्यादा डिमांड होने लगी। क्यों? पेट्रोल डीजल से भी सस्ता हो गया हमारा। देखो पेट्रोल और डीजल अलग चीजें हैं, हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या ले रहे हैं? कार और पेट्रोल। ठीक है, तो कार, कौन सी कार की डिमांड बढ़ गई? पेट्रोल कार की। ठीक है, तो पहले जब 100 रुपीज थी जब इनकी प्राइसेस दोनों की, तब हम कर रहे थे यहाँ पर डिमांड 200 की। ठीक है, अब यूनिट्स की, अब क्या हुआ? प्राइसेस कम हो गए किसके? पेट्रोल के। तो हमने डिमांड किसकी बढ़ा दी? कार की। अब हम ले रहे हैं 300 यूनिट्स। प्राइसेस कार की वही सेम है आपकी। ठीक है, तो पहले हम कितनी डिमांड कर रहे थे? 200 यूनिट्स की, दिस वन डीडी का। अब जैसे ही आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो आपकी कार की जो डिमांड थी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? 300 यूनिट्स, यानी कि डिमांड का क्या हो गया? दिस वन D1, D1। किसका है ये? कार। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो हमने पढ़ा क्रॉस प्राइस इफेक्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन गुड्स, वहां पर किस तरह से इफेक्ट रहता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में किस तरह से प्राइस इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, कि इनकम और डिमांड में क्या रिलेशनशिप। देखो हमें पता है कि दो तरह की गुड्स होती हैं, कौन कौन सी? नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स में क्या होगा? देखो नॉर्मल गुड्स में अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है, नॉर्मल गुड्स का मतलब हम मान के चलते हैं जो क्वालिटी गुड्स होती है। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आप क्वालिटी गुड्स की डिमांड ज्यादा कर देते हैं, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा करने लगते हैं। ठीक है, तो विद द इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस, बढ़ जाती है, एंड विद द डिक्रीज इन इनकम डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स विल डिक्रीज हो जाती है। अब
तो इसको डायग्रामेटिकली हम किस तरह से शो करेंगे। ये आपके प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं है, हमने यहाँ पे प्राइसेस की कोई भी बात नहीं की, हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकम की, कि इनकम के चेंज होने पर डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप पहले जब आपकी इनकम थी, जो भी लगा लीजिए, सपोज 10,000 थी या 20,000 थी, तब आपका डिमांड कम था, जिस पर मीन्स प्राइसेस पर आप क्यू वन क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, डी। लेकिन जैसे ही आपकी इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हो गई, तो आपने डिमांड भी क्या कर दी, ज्यादा करनी शुरू कर दी। अब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ यूनिट्स क्या है, क्यू टू, और डिमांड कर्व भी कैसा हो जाएगा आपका, दिस वन, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ केस ऑफ इंक्रीज इन इनकम, और इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, हम यहाँ पे नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपकी इनकम कम हो जाती तो देखो आप इसको भूल जाओ, पहले था डिमांड कर दिस वन, अब इनकम कम हो गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या कर लोगे, कम करने लगोगे, तो आपकी डिमांड जो है वो कम हो गई, क्यों, थ्री पर, और डिमांड कब कैसा हो गया, दिस वन, डी टू, इन केस ऑफ व्हेन डिक्रीज इन इनकम। क्लियर, ये किसके बारे में हम बात कर रहे थे, नॉर्मल गुड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की, देखो इंफीरियर गुड्स में क्या है, अगर तो आपकी इनकम बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, विद द इंक्रीज इन इनकम आपकी जो इंफीरियर गुड्स है, मीन्स जो लो क्वालिटी गुड्स है, अब उनकी डिमांड आप क्या करते हो, कम करने लग जाते हो, तो इसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है आपकी इनकम का। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, क्यों, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम और अच्छी चीजें शुरू कर देते हैं खरीदना, तो जो हम सस्ती चीजें पहले खरीद रहे थे उसकी डिमांड अब हम कम कर देते हैं और क्वालिटी गुड्स की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। तो इनकम इंक्रीज होने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, और वहीं डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम में डिक्रीमेंट हो जाता है, मीन्स इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, उन इंफीरियर की, अब हमारी इनकम कम होगी तो अब हम सस्ती चीजें देखते हैं कि कोई चीज सस्ती मिल जाए ताकि हम खरीद सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा इफेक्ट रहता है, इनका रिलेशन रहता है नेगेटिव रिलेशन रहता है, या हम कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर डिमांड कर्व किस तरह से बनेगा, देखो प्राइस की कोई बात नहीं है तो प्राइस हमारे वही स्टेबल है, तो जब आपकी इनकम स्टेबल थी, मीन्स आपकी 10,000 थी, तब आपकी हो गई ये वाला डिमांड कर्व, और जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई 10 से 20 की तरफ गई, तो हमारी डिमांड हमने इंफीरियर गुड्स की क्या कर दी, कम कर दी, तो डिमांड कहां पर हो जाएगी, यहां ये डिमांड, तो डिमांड कब हो जाएगा, दिस वन, दिस वन, डी वन। किस केस में, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, तो डिमांड कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, एंड व्हेन इनकम डिक्रीजेस, जब डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड हम क्या कर देते हैं, इंफीरियर गुड्स की ज्यादा करने लगते हैं, तो इसका काम कैसा हो जाएगा, दिस वन, डी टू, डिमांड इंक्रीजेस इन केस ऑफ, यहां पे ये कौन सा केस है, इनकम डिक्रीजेस, कि जब डिक्रीज हो गया इनकम, कम हो गई, तो कम होने पर हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं, इनकम के बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड हम कम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कि टेस्ट एंड जो प्रेफरेंसेस है उसके बेस में उसमें क्या रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस विद द डिमांड, या ऑन डिमांड हम कह सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड, क्या इम्पैक्ट है टेस्ट, देखो सिंपल सा है ये भी, बिल्कुल हमारा
बात करेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। अगर तो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवर में है, मीन्स आपको वो चीजें अच्छी लगती है, तो आप उस चीज को डिमांड ज्यादा करते हो। अगर वो चीजें नहीं अच्छी लगती, अनफेवर में है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो हम उन चीजों की क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हैं। सिंपल। तो ये आपका प्राइस है, प्राइस लाइन आपकी पी, ठीक है। पहले हम इतनी क्वांटिटी, ये आपका डी वन था, डीडी था, तो क्यू ओ क्यू क्वांटिटी हम ओ क्यू वन क्वांटिटी हम क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। अगर तो हमारे टेस्ट डेवलप हो गए, मींस वो जो चीज हम खरीद रहे हैं यहाँ पे, जिस चीज की हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसके फेवर में है हमारे टेस्ट, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी हो गई, क्यू टू, और डिमांड तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डी वन डी वन। ये कौन सा केस है, वेल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर इन फेवर। ओके, नेक्स्ट, अगर वो फेवर में नहीं है, अनफेवर में है, तो हम डिमांड उसकी कम करेंगे, क्वालिटी डिमांड कम हो जाएगी, तो हमारा डिमांड कम यहां से, देखो इसको भूल जाया करो, ये आपका मेन था पहले स्टार्टिंग वाला, तो यहां से शिफ्ट होकर पीछे की तरफ, यानी कि अब हम कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे Q3, तो आपका डिमांड कब क्या हो जाएगा, दिस वन D2, D2 कब, वेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर नॉट इन फेवर, या आप कह सकते हो अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो ये सब था आपका आज के लेक्चर में, क्या पढ़ा हमने कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन गुड्स के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइसेस में चेंज होने पर डिमांड में किस तरह से चेंजेस आते हैं वो पढ़े, इनकम इफेक्ट पढ़ा हमने कि इनकम में चेंजेस आने पर किस तरह से हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड में चेंज आता है या इंफीरियर गुड्स की डिमांड में चेंज आता है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन आवर डिमांड। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।